हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10th विज्ञान के जो आपका अध्याय 2 है यानी कि अम्ल क्षारक एवं लवण, इसके 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के पार्ट 2। और इस पार्ट में हम लोग 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होते हैं? तो देखिए बच्चों, जब विद्युत अपघटन होता है तो इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होता है, यानी कि यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो देखिए, अम्ल एवं क्षार दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, यानी कि यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दांतों को साफ रखने वाले दंतमंजन प्राय होते हैं। जो हम लोग का दांत रहता है उसको साफ रखने वाले दंतमंजन प्राय कैसे होते हैं? तो देखिए, यह क्षारीय होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा मुंह का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, देखिए 5.6 से मुंह का पीएच मान कम हो जाएगा तो फिर जो हमारा दांत सड़ने लगेगा, उसमें खराबी होने लगता है। तो इसीलिए हम लोग क्षारीय दंतमंजन का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? देखिए यहाँ पूछ रहा है धातु के ऑक्साइड, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और पूछे अधातु, तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। अ से आपको अधातु याद रखना है और अधातु के ऑक्साइड कैसे होंगे? अम्लीय। यहाँ पूछा है धातु के ऑक्साइड, तो यह कैसा होगा? क्षारीय होगा। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो देखिए बच्चों, जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग श्वेत होता है, यानी कि यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? देखिए मैंने अभी आपको बताया, अ से आपको अम्ल याद रखना है, यानी कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए बच्चों, यह जो सूत्र है C6H12O6, यह ग्लूकोज का सूत्र होता है और चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है, इसे आपको याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से कठोर होता है? ऑप्शन ए है जलासन, बी है उपचयन अपचयन, और सी है उपचयन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जलासन के कारण कठोर हो जाता है, यानी कि हाँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए बच्चों, धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? यहाँ आपको बताना है कि कौन अम्ल है। देखिए बच्चों, जो H+ आयन उत्पन्न करता है वह अम्ल होता है, और जो OH- आयन उत्पन्न करता है वह क्या होता है? वह क्षार होता है। तो यहाँ H+ आयन किस में उत्पन्न हो रहा है? HCl में H+ आयन उत्पन्न होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए जो आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड थे। इसका थर्ड पार्ट का आप लोग इंतज़ार कीजिए, और यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो उसे आप लोग देख लीजिएगा, उसका जो लिंक होगा वह डिस्क्रिप्शन में हम रख देंगे। और यदि आपने इसका जो पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका भी मैंने 50 इम्पोर्टेंट MCQ का वीडियो बना रखा है, यदि आपने उसको नहीं देखा होगा तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, उसका भी जो लिंक रहेगा वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।